बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी कीमा करेले की रेसिपी। तो चलिए कीमा करेले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने करेले फ्राई कर लिए, एक किलो थे मेरे पास। आप कढ़ाई में डालेंगे हाफ किलो कीमा, तीन बड़े साइज़ के प्याज, दो टमाटर कटे हुए, चार से पाँच सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, दो से तीन लौंग, दो लो छोटी इलायची, और मैं इसमें डाल दूंगी दो टुकड़े तेज़पात के, और एक कप दही डाल के इसको मैं टमाटर और दही के पानी में अच्छी तरह पका के खुश्क कर लिया मैंने। अब इसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल, दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें जाएगा ड्राई मसाले, दो टेबलस्पून जाएगा इसमें सूखी मिर्चें, दो टीस्पून नमक जाएगा, वन टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, और थोड़ी सी मैं दो चुटकी इसमें अजवाइन डाल दूंगी। ये सारे मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। चार से पाँच मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। ये जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, तो ये सारे करेले इसमें डाल देंगे। करेलों के ऊपर से मैंने हल्का हल्का सा छिलका उतार के इसको काट के मैंने फ्राई किया है। अब इसमें डालेंगे वन टी स्पून गर्म मसाला, गर्म मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे इसको, और पाँच से छः मिनट तक मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे, दम वाली आंच पे इसको मैं पका लूँगी। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से कीमा करेले बनके तैयार है। थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब इसको डी सर्व करेंगे। अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कीमा करेले बने हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।